प्रणाम नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है YouTube चैनल ब्लॉगर सतीश सरेश। उम्मीद है पूरी YouTube फैमिली स्वस्थ और कुशल। बिल्कुल नया और ताजा अपडेट लेके आया हूँ अशोक राजपथ में डबल डेकर ब्रिज कैसे बना। अभी आप देख रहे थे हम कारगिल चौक से गुजर रहे हैं। ये कारगिल चौक से होते हुए अभी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कारगिल चौक से होते हुए आप गंगा पथ के कैसे कनेक्ट होंगे। ये अभी आप सामने पहुंच गए गांधी मैदान का 5 नंबर गेट। 5 नंबर गेट के सामने से होते हुए हम लोग सीधे अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे जब थोड़ी आगे जाएंगे तो दाहिना तरफ में आपको बापू सभागार दिखेगा। जैसा कि ये बापू सभागार आपको दिख रहा है, दाहिना में काम भी चल रहा पटना मेट्रो का, और आगे आपको दिखेगा अभी राइट साइड में बापू सभागार। देखिए बापू सभागार ये राइट साइड में है और यही रास्ता पकड़ के हम लोग सीधे आगे बढ़ते जाएंगे तो पटना के जो डीएम है, जो जिला कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जिला अधिकारी है जिनका आवास है, सरकारी आवास है। और ये आज 12 मार्च है, ये संडे स्पेशल ब्लॉग है, कुछ नया नहीं था इसलिए मैंने ये सोचा आपको अपडेट दे दूं। अशोक राजपथ में डबल डेकर ब्रिज बन रहा है उसका आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है। ये ब्लॉग आपको, इस ब्लॉग पे बने रहे आप और मैं आपको पूरा इस वीडियो में दिखाऊंगा कि अशोक राजपथ का काम डबल डेकर ब्रिज का कैसा चल रहा है। सामने आपको विश्वमान भवन दिख रहा होगा और ठीक सामने अभी आपको जस्ट सामने ये व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है, अभी देखिए ऑटो जो मुड़ रहा है इसके सामने ये व्हाइट कलर का बिल्डिंग डीएम ऑफ डीएम आवास है, जो पटना का डीएम है उनका घर है। यहाँ से हम दाहिना मुड़ गए, दाहिना मुड़ते ही आगे से लेफ्ट मुड़ेंगे बाया। जैसे मुड़ेंगे, बाया मुड़ने के बाद हम लोग थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, लगभग 300 मीटर के आसपास, बता पा रहा हूँ लेकिन 300 हो, 350 हो या 400 हो, लेफ्ट ऐसे मुड़ गए। मुड़ते ही 300 मीटर आगे चलेंगे, यहाँ से राइट मुड़ेंगे अपन। राइट मुड़ते ही हम लोग आ जाएंगे जेपी गंगा पथ। ये जेपी गंगा पथ गांधी मैदान से होते हुए कैसे कनेक्ट होता है, देखिए राइट एरो दिखा रहा है येलो कलर का, जेपी गंगा पथ जाने का ये रास्ता है। अभी हमने कार में इंडिकेटर भी राइट के दे दिया है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और हम लोग अभी जेपी गंगा पथ के लिए मुड़ गए। आज का बिल्कुल लेटेस्ट ये ब्लॉग है, आज ही ये रिकॉर्ड किया हूँ और आप लोगों के लिए ले लिया। ये सीधा चलते चलेंगे हम लोग जेपी गंगा पथ पे निकल रहे हैं। अभी हम आपको क्या है कि वापस लिए चलते हैं, वापस लिए चलेंगे अशोक राजपथ। अशोक राजपथ पे जो मैं बता रहा था कि वहाँ डबल डेकर ब्रिज का क्या अपडेट है और कैसा काम चल रहा है और काफी तेजी से काम चल रहा है। ये डबल डेकर ब्रिज जिस दिन बन के तैयार हो जाएगा अपने आप में बिहार में और पटना में एक नया आयाम लिखेगा। ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ऐसे ही इस ब्लॉग पे बने रहे। अभी देखिए हम लोग यू टर्न लेके आ गए हैं अशोक राजपथ। ये अशोक राजपथ देखिए सीधे ये कारगिल चौक से सारा डेवलपमेंट चल रहा है। आप देखिए जब विकास का काम होता है तो थोड़ा सा रुकावट आता ही है, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, ट्रैफिक का कंजेशन, जाम, भीड़ भाड़, रास्ते में थोड़ी सी दिक्कत, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, ही बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो ये देखिए नया अपडेट है, बिल्कुल आपके लिए लेके आ गया हूँ। आज का अपडेट है 12 मार्च 2023 का अपडेट है। तो देखिए दाहिना में आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो डबल डेकर ब्रिज का काम कितना तेजी से चल रहा है, और ये देखिए अभी सामने आपको दिख रहा हो स्क्वायर नुमा ये पियर बना हुआ है। अब इस पे मुझे लगता है कि ये जो स्लैब है ये दाहिना तरफ देखिए लिखा हुआ डबल डेकर ब्रिज का, जो ये पियर खड़ा किया जा रहा है, आगे कास्ट भी हो चुका हुआ है, कई चीजें तो सामने आपको दिख रहा है कैसा काम चल रहा है और क्या। मेरे पास आज एक बिल्कुल नया अपडेट था, सो आप लोग इस पूरा वीडियो को देखें और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो
ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग किसी अगले ब्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना प्यार दुलार ऐसे ही देते रहें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग।